इंटरनेट पढ़ाई पर कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई। मैं रेणु स्वामी, बायोलॉजी टीचर। हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखिए हम पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे, डिविजन्स के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था उसका क्या नाम था, सजीवों की संरचनाएँ, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें देखिए हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिका क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स, इसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अभी जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्या था, सेल साइकिल, कोशिका चक्र जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उस कोशिका चक्र के अंदर हमारा क्या आया था इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, उस कोशिका विभाजन को हमने दो विभाजन में डिवाइड किया, कौन कौन से, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए समसूत्री विभाजन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है वो हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेज आती है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। तो देखिए समसूत्री में तो क्या पढ़ा था हमने कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, कोशिका का विभाजन होगा और एक से दो कोशिकाएं बनेंगी, उसके अंदर हमने कौन कौन से स्टेप पढ़े, इंटरफेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। उस पूरे स्टेप्स के अंदर क्या हो गया था कि जो समसूत्री विभाजन था वो कंप्लीट हो चुका था। अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, समसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन, इसके अंदर मान लीजिए सबसे पहले हम देखें इसकी डेफिनेशन, इस अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है। तो देखिए इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज फर्स्ट टर्म, तो इसके अंदर कोशिका जो है यानी कि कितने बार विभाजन होते हैं, यहाँ पे दो बार डिवीजन होते हैं, दो बार विभाजन होते हैं। अभी दो बार विभाजन का क्या मतलब है कि मान जब देखिए एक समसूत्री विभाजन हुआ तो उससे क्या बने, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दो बार विभाजन होता है, एक विभाजन से दो, दूसरे विभाजन से दो, मीन्स यहाँ पे कितनी कोशिकाएं बनेंगी, चार कोशिकाएं बनेंगी, चार कोशिकाओं का निर्माण होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट चीज किसके बारे में, मियोसिस डिवीजन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें हमारे पास हो गई कि यहाँ पे अभी हम ये देखना चाहे कि अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा क्या होती है, तो वो हम कैसे देखें, तो मान लीजिए यानी कि जब कोशिका के अंदर विभाजन हो और यानी कि जब एक कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इसके अंदर डिवीजन ही दो बार हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जिस टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस टाइम क्या होता है कि जो द्विगुणित यानी कि जो डिप्लोइड जनन कोशिका होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, लैंगिक जनन के इसमें क्या होगा, जो द्विगुणित जनन कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ये जो हम बता रहे हैं किसके अंदर होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, किसके अंदर, जो जनक कोशिकाएं होती है उनके अंदर होगा। क्योंकि देखिए जब हमने अर्धसमसूत्री विभाजन स्टार्ट किया था उस टाइम बताया था वो किसके अंदर होता है, वो सोमेटिक सेल्स में होता है, कई कोशिकाओं के अंदर होता है, जबकि ये किसके अंदर होगा, जो जनक कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर भी होती हैं, बट यहाँ पे कौन से जनन कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं, जर्म सेल्स के अंदर होगा। और यही हमने समसूत्री विभाजन में क्या देखा था कि उसके जनन कोशिकाओं को छोड़ करके ये डिवीजन और सब में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन है वो कहाँ पे होगा, वो जनन कोशिकाओं में होगा। ठीक है, उसमें क्या बनेंगे, उस कोशिका के अंदर विभाजन होगा, इसे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, यानी कि मेन प्रोसेस क्या होती है, ये 2n होता है। ठीक है, इससे क्या बनेगा, ये nn बन गए, मीन से कैसे हो गए, हैप्लोइड हो गए, अगुणित बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये विभाजन हुआ तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर जिसको हमने होता है कि परिभाषा की तरफ पहुँचना चाह रहे हैं हम, तो हमने क्या बताया था कि जब एक कोशिका में विभाजन से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और उनके अंदर यानी कि जो देखिए माता पिता से क्या पैदा होगा, संतान पैदा होगी, तो वो जो संतान पैदा हो रही है उसके अंदर अगर गुणसूत्रों की संख्या
उतनी होती है जितनी पेरेंट्स में थी, तो वो कौन सा होता है? समसूत्री। नाम क्या है? समसूत्री, यानी कि समान गुण सूत्र ट्रांसफर हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वो विभाजन कौन सा हो गया? समसूत्री। अगर एक कोशिका से दो कोशिका, यानी कि एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनेगी यहाँ पे, तो अगर किसी कोशिका में विभाजन से चार कोशिकाएं बन रही, ठीक है, और मान लीजिए बनने वाली कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो? मात्र कोशिका की आधी हो, तो वो कौन सा विभाजन होता है? वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? ऐसा विभाजन जिसके अंदर माता पिता से बनने वाली संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और बनने वाले कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? चार होगी, विभाजन दो बार होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, ठीक है, तो वो विभाजन कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन। तो हम आराम से डेफिनेशन दे सकते हैं, कौन कौन सा स्टेप यूज में लेंगे, देखिए इसकी डेफिनेशन में मदर सेल होगी, एक कोशिका है, ठीक है, इस एक कोशिका के से जो डॉटर सेल बनेगी, पुत्री कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं, संतति कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, डिवीजन होगा, वो भी कौन सा डिवीजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो देखिए ये जो अभी हमने कौन सा पढ़ा, लास्ट टाइम समसूत्री पढ़ा, तो आपको यहाँ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए इनके अंदर लगभग कुछ जो स्टेप्स हैं वो सेम आते हैं, तो आपको वहीं पे वो डिफरेंस क्रिएट करके पढ़ना होगा कि पिछले में क्या था और इसमें क्या था। देखिए यहाँ पे क्या होगा, विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या बनेंगे? पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, और बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? चार होगी, ठीक है, और इसमें डिवीजन कितनी बार होता है? ये दो बार होता है ये विभाजन, इसी कारण से क्या बनती है? पुत्री कोशिकाएं चार बनती है। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ से। आपको मेन टर्म्स ध्यान रखने हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स यूज लेने हैं, किसकी डेफिनेशन में? अर्धसूत्री विभाजन की। तो ये तो प्रोसेस हो गई इसकी। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन जिसको हम बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा? जो 2n क्या रहेगी, जो जनक कोशिका जिसको बोलते हैं, द्विगुणित जनन कोशिकाएं, डिप्लोइड, डिप्लोइड जर्म सेल्स जो रहेंगी, उन कोशिकाओं में क्या होता है? ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। कब होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और देखिए यहाँ पे डिफरेंस, जिस टाइम हमने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस डिवीजन बताया था, तब बताया था कि जो निम्न श्रेणी के एनिमल्स होते हैं, निम्न श्रेणी के जंतु जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? अलैंगिक विभाजन की जगह ये जो समसूत्री विभाजन होता है उसी टाइम पे होता है, लेकिन अर्धसूत्री में कहाँ हो रहा है? ये लैंगिक जनन के समय होता है। फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस होगी फर्स्ट। अभी क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे। जो विभाजन हुआ है, जनक कोशिका, जनन कोशिकाएं हैं, यानी कि वो जो जनन कोशिकाएं होंगी उनके अंदर क्या बनेगा? उनके अंदर डिवीजन होगा आगे, कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन, जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक है मियोसिस डिवीजन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? गैमेट्स, यानी कि जो युग्मकों का निर्माण है, विभाजन होगा, कौन सा? अर्धसूत्री। क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। अब ये जो बने हुए युग्मक है, ये 2n कोशिका है, इसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और इस अर्धसूत्री विभाजन से जो सेल्स बनेंगी, ये प्रोसेस हो रही है, वो कैसे बनी है? हैप्लोइड बनी है, अगुणित बनी है कोशिकाएं। तो यहाँ पे गैमेट्स बन गए, और अभी क्या बनेगा? ये गोमिट्स कैसे होंगे? एन, ये हैप्लोइड होंगे, जिसको हम एन से बता सकते हैं। 2n का मतलब डिप्लोइड और n का मतलब हैप्लोइड, यानी कि 2n द्विगुणित और n अगुणित। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो द्विगुणित कोशिका थी उसे क्या बन गया? अगुणित युग्मक बन गए। अभी क्या होगा कि ये जो गैमेट्स बने हैं, युग्मक जो बने हैं, इनसे क्या होता है कि जो आगे जो संतति कोशिका बनेगी, संतान के पेरेंट्स से क्या बनेगा? संतान जो बनेगी, माता पिता से संतान की उत्पत्ति जो होगी, उस कोशिका में क्या होगा कि जो गुणसूत्रों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं गुणसूत्र, तो यहाँ पे जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी ट्रांसफर होगी यहाँ पे? वो यहाँ पे आधी हो जाएगी,
किसकी आदि हो जाएगी? मदर सेल की। मात्र कोशिका की क्या हो जाएगी? आदि हो जाएगी। कौन? यहाँ पे जितनी संख्या जनक कोशिका में थी, यानी कि मदर सेल के अंदर थी, जो संतान हुई उसके अंदर क्या हो गया? आदि हो गई। क्योंकि ये देखिए क्या हो गया, NN हैप्लोइड होगी। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे, गुणसूत्र जिनको हम बोल रहे हैं, वो क्रोमोसोम कितने होंगे? आधे होंगे। यही इसकी मेन प्रोसेस होती है, हम शुरू से एंड तक यही प्रोसेस पढ़ेंगे। बट उसके अंदर मेथड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेज है, क्या क्या स्टेप्स आते हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे जाके हमने देखिए समसूत्र विभाजन पढ़ा, उसमें हमने पूरा क्या कंक्लूजन निकाला, एक कोशिका से दो बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, उसके अंदर जो गुणसूत्रों का स्थानांतरण होगा, क्रोमोसोम्स जो ट्रांसफर होंगे वो कितने होंगे? समान होंगे। हमने खूब स्टेज पढ़ी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन सब कुछ पढ़ा। एंड में क्या हुआ, एक से दो। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो इसको माइटोसिस डिवीजन से अलग करता है, समसूत्री विभाजन से अलग करता है, तो यहाँ पे एक से चार बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बनेंगे, उसके अंदर एगोनित युग्मक जिनको बोलते हैं, हैप्लोइड गैमेट्स बनेंगे। ये प्रोसेस होती है। तो ये तो हो गए इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होंगे। अब इसके हम स्टेप्स देखते हैं कि ये आगे कौन कौन से स्टेप्स में कंप्लीट होगी। बट पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या, मेन क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लीजिए छोटिकल में आता है, आपका नाइन्थ क्लास का है, अगर मान लीजिए वो आपसे शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछता है, वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, तो आपसे डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके नीट के हिसाब से आप इम्पोर्टेंट देखें, तो क्या कि आर्सूत्र विभाजन के अंदर एक से कितनी कोशिकाएं बनती है? चार कोशिकाएं बनती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिवीजन, ये तो सिंपल सी बात है, आपको याद हो गई कि एक से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? चार बनेंगी। लेकिन हम जनरली क्या याद रखते हैं कि अगर विभाजन होता है, कोशिका सिर्फ एक बार विभाजित होती है। लेकिन आपको ये बिल्कुल याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि अर्शुत्र विभाजन के अंदर कोशिका कितने बार विभाजित होती है। तो यहाँ पे कोशिका के अंदर दो बार विभाजन होता है, इसीलिए क्या बनती है? एक से चार, एक विभाजन से दो बनी, दूसरे विभाजन से और दो बनेंगी, तो एक से कितनी सेल बन गई? चार। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि हम कन्फ्यूज क्या होती है, जैसे समसूत्र विभाजन है, समसूत्र विभाजन में क्या सोचते हैं, जब वहां पे एक से दो हो रही तो यहाँ पे भी क्या बनेगी? एक से दो बनेगी। लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है, यहाँ पे अर्शुत्र विभाजन के अंदर क्या बनती है? एक से दो बनेंगे, और विभाजन भी क्या होंगे यहाँ पे विभाजन भी दो होते हैं। तो ये इसके बारे में अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ये कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे इस डिवीजन के बारे में। देखिए यहाँ पे हम जो ये मियोसिस डिवीजन है, यहाँ पे इसको दो भागों में डिवाइड किया हमने, कौन कौन से हैं? आर्शुत्र विभाजन फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और नेक्स्ट कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ये जो दोनों स्टेज होंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट में क्योंकि यहाँ पे दो बार विभाजन होता है, एक से दो कैसे बन रही है, और नेक्स्ट एक से दो कैसे बन रही है। तो यहाँ पे और ये पूरी प्रोसेस से क्या होगा, यानी कि दो बार क्या होगा, डिविजन होगा, विभाजन होगा, ठीक है। किसके अंदर? जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या बनेगी, जो 2n क्या है, यानी कि जो डिप्लोइड जनक कोशिका है, द्विगुणित जनक कोशिका जिसको हम बोल रहे हैं, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जब विभाजन इसके अंदर दो बार होगा तो उससे चार सेल्स बनेंगी, और ये चारों सेल्स कैसी होंगी? अगुणित होंगी। ये मदर सेल थी, और डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस। ये मियोसिस डिवीजन हुआ। इस अर्धसूत्र विभाजन से जो कोशिकाएं बनी वो कैसी हैं? हैप्लोइड है, यानी कि कैसी हैं? अगुणित, अगुणित सेल्स है। ये क्या बन गई? पुत्री कोशिकाएं। डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, पर बनी कितनी? वो चार कोशिकाएं बनी। तो ये किसके अंदर पढ़ेंगे हम? समसूत्र विभाजन, सॉरी अर्धसूत्र विभाजन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे, बट इसके अलावा जो हम विभाजन पढ़ेंगे अर्धसूत्र विभाजन, उसके अंदर कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे,
क्यारसूत्र विभाजन फर्स्ट में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी जो स्टेजेस होती हैं, अवस्थाएं जिनको हम बोलते हैं, वो अवस्थाएं किसके जैसे होंगी, तो समसूत्र विभाजन के अंदर पड़ी थी, वो कौन कौन सी देखते हैं हम मियोसिस फर्स्ट में, इनके इन दोनों में पढ़ेंगे हम उन दोनों स्टेज के बारे में। इसमें फर्स्ट में भी कौन से पढ़ेंगे, दोनों में पढ़ेंगे कौन कौन सी, प्रोफेज, नेक्स्ट आती है मेटाफेज, अगली कौन सी आती है एनाफेज, और लास्ट कौन सी आती है टीलोफेज। ये चार अवस्थाएं किसके अंदर कैसे फर्स्ट में है, तो हम क्या पढ़ेंगे फर्स्ट, इन सारों के कौन सी है ये फर्स्ट। और जब हम कौन सा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जब मियोसिस डिवीजन सेकंड, तो उसके अंदर क्या हो गई अवस्थाएं, उसके अंदर चेंज हो गई, सेकंड हो गई है। तो ये हम किसके बारे में पढ़ेंगे, असूत्र विभाजन के अंदर, कि ये कैसे कैसे कंप्लीट होगा, कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पे जब हम मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई, जब जो कोशिकाओं के अंदर विभाजन होगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, जो अंतरावस्था को बोलते हैं, इंटरफेज जिसको बोलते हैं, वहां पे क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, उसके लिए पूरी प्रोसेस होगी। यानी कि जब मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे उसमें भी क्या होगा कि कोशिका विभाजन से पहले कौन प्रेजेंट रहेगी, इंटरफेज, अंतरावस्था, वही प्रोसेस, क्योंकि समसूत्र में क्या पढ़ते हैं इंटरफेज, फिर केंद्रक का विभाजन, फिर कोशिका द्रव का विभाजन। यहाँ पे भी क्या इंटरफेज होगी, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएंगे इसके सारे स्टेप्स, किसके स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे मियोसिस फर्स्ट के, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे मियोसिस सेकंड के। और यहाँ पे देखिए ये जो चार अवस्थाएं पढ़ेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो आपको मैंने बताया, आपको पूरे कॉन्सेंट्रेट से पढ़ रही है, पूरा ध्यान रखना है आपको कि ये समसूत्र विभाजन से अलग कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो ये थे जनरल इंस्ट्रक्शंस किसके बारे में, अर्धसूत्र विभाजन के बारे में, कि वो होता क्या है, कितनी कोशिकाएं बनेंगी, कितने बार डिवीजन होगा, कौन कौन से भागों में बांट के पड़ेंगे, और जो बनने वाली कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, और जो मदर सेल थी वो कैसी होगी, और कौन कौन से स्टेप्स में हम पढ़ेंगे।